finally home. I've been gone for too long. Standing here a while just to take it all in. Radio's playing our song. And then you stood there smiling at me. There's so many. गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मंगलवार की सुबह है, कल रात को ही मैंने लास्ट ब्लॉग में दिखाया था आप लोगों को कि इडली डोसा बैटर के लिए दाल चावल मैंने सूख करके रखा था, तो जल्दी से उसको पेस्ट बना के रख दूंगी। दिन भर में फर्मेंटेशन हो जाएगा, इवनिंग तक जब ऑफिस से वापस आएंगे और बच्चे स्कूल से वापस आएंगे, इवनिंग स्नैक्स के लिए बेस्ट रहेगा, या फिर हम तो अब डिनर में भी खा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कल रात को पनीर भी बना के रखा था, तो लंच बॉक्स के लिए पनीर पराठा हो जाएगा। आप लोगों को बता ही दिया था कि अनुज पहुंच गए हैं, मजे में खाना खा रहे हैं, मस्त मस्त यम्मी यम्मी। और मेरी जो भाभी है, एक्चुअली अनुज के जो भैया हैं उनकी वाइफ को मैं भाभी बोलती हूँ, क्योंकि शादी से पहले अनुज भाभी बोलते थे, इसलिए मैं हमेशा से भाभी बोलते आई हूँ। तो मैं दीदी नहीं बोलती, भाभी बोलती हूँ। और उनके हाथ के पराठे ना वर्ल्ड क्लास होते हैं, टॉप मोस्ट। मैं हमेशा ओवर ईटिंग करती हूँ। एक्चुअली वो आटा इतना सॉफ्ट गूंथती है ना कि आलू के पराठे हो, गोभी के पराठे हो, पूरा मिक्स हो जाता है। आटे का कोई स्वाद ही नहीं आता, सिर्फ आलू और मसाले का ही टेस्ट आता है, और कुछ नहीं। बहुत सिंपल बनाती है, मैंने कितनी बार खड़े होकर देख ली कि क्या स्पेशल रेसिपी होती है, बट सारी स्पेशलिटी ना वो जो आटा गूंथती है ना उसी की होती है। इतना सॉफ्ट होता है, अमेजिंग पराठा। येशा भी हमेशा बोलती है कि मैं हमेशा ज़्यादा खा लेती हूँ जब भी ताई जी पराठे बनाते हैं, वर्ल्ड क्लास, टॉप मोस्ट। वो सबसे ज़्यादा मिस करूँगी मैं। ये हो गया सॉफ्ट सॉफ्ट पनीर तैयार। रात भर हैंग करके रख दिया था ना, पूरा मॉइस्चर इसका निकल गया है और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। इसके पनीर पराठे, पनीर भुर्जी बहुत टेस्टी बनते हैं। नमक, थोड़ा सा वाइट पेपर, ब्लैक पेपर भी डाल सकते हैं। और ये है जीरा, धनिया भून के पाउडर बना लिया था। खूब सारा धनिया, इसमें हरी मिर्च भी काट के डाल दो, बहुत अच्छा टेस्ट आता है। जब मैं घर के लिए पनीर पराठा बनाती हूँ ना, तो उसमें मिर्ची काट के डाल देती हूँ और अदरक भी ग्रेट करके डाल देती हूँ, बट लंच बॉक्स में नहीं डालती कि उस टाइम पे मुँह में मिर्ची जाती है तो अनकम्फर्टेबल हो जाते हैं ना, फिर बच्चे तीखा ज़्यादा लगता है, तो लंच बॉक्स के लिए सिंपल रखती हूँ। स्टफिंग बिल्कुल रेडी है और इससे पराठा भी बना सकते हैं, सैंडविच भी बना सकते हैं, और अगर इसमें चीज मिक्स कर दूं ना फिर तो सोने पे सुहागा। और इनफैक्ट इसमें थोड़ा सा बॉइल्ड आलू मिक्स करके ना आप छोटी-छोटी टिक्की में बना सकते हो, इवनिंग स्नैक्स के लिए बेस्ट होता है। लंच बॉक्सेस के बारे में मैंने हमेशा आप लोगों को बताया, थर्मस ब्रांड का है, काफी टाइम तक इसमें खाना गर्म रहता है। और खाना फिल करने से पहले अगर इसको अच्छे से गर्म पानी में धो लो और फिर क्लीन करके फिर खाना डालो तो काफी लंबे टाइम तक खाना वार्म रहता है। एक बजे के अराउंड इनका लंच होता है और हमेशा मैं येशा से पूछती हूँ कि खाने का कितना गर्म था, तो अच्छे से वार्म रहता है। और ये मैंने नया लिया है, वॉलमार्ट से लिया है, अमेजोन पे भी अवेलेबल है, और ये डिश वॉशर सेफ है। इससे पहले जो मेरा था ना वो डिश वॉशर सेफ नहीं था और ध्यान नहीं रहता ना, डिश वॉशर में डाल दिया और बाहर की उसकी पूरी कोटिंग खराब हो गई थी, तो बाहर से ही प्रॉब्लम होती है, अंदर तो स्टील का है, कोई दिक्कत नहीं है। इडली डोसा बैटर के लिए मैं निंजा का प्रोफेशनल 1000 वॉट ये वाला ग्राइंडर यूज करती हूँ। वैसे थोड़े दिनों की बात है क्योंकि अनुज इंडिया गए हैं, तो इंडिया वाला वो अच्छा वाला मिक्सर ग्राइंडर आने वाला है, जिसके बारे में हमने ब्लॉग में काफी पहले बात करी थी और आप लोगों ने भी सजेस्ट किया था कि हाँ सुची इंडिया से मंगवाना, वहां पे प्राइस भी कम होता है और बहुत ही अच्छा होता है, तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ उसके लिए। बढ़िया सा बैटर बन गया है और अब इसको ओवन में रख दूंगी और शाम तक अच्छे से इसका फर्मेंटेशन हो जाएगा। डिनर के लिए काले चने बनाऊंगी, तो बॉईल करके रख देती हूँ और इवनिंग में तड़का लगा दूंगी। अनुज का कॉल। हाँ जी, क्या हो रहा है? हाँ, क्या हो रहा है? पराठे शराठे क्या क्या खा रहे हो? हेलो माँ, कैसे हो? मैं भी ठीक हूँ। हमें मिस कर रहे हो कि नहीं?
मेरा बड़ा मन कर रहा है, अभी तक तो नहीं लग रहा था पर अब पहुंच गए ना तो मेरा बड़ा मन कर रहा है कि ओ मैं भी आ जाती। हाँ, बस अगली बार जब हम चक्कर लगाएंगे ना तो हमारे साथ आ जाना आप भी। हेलो। मेरी मदर इन लॉ को ना नहीं आना होता, उनको इतना लंबा ट्रैवल से बहुत डर लगता है। हाँ जी डैडी, ऑन फोन पहली बारी है ना कि यशा से बात कर रही है अनुज से। मैं मदर इन लॉ को हर फोन पे बोलती हूँ अब आप आ जाओ, मैं नहीं आऊंगी, आप आ जाओ। अब वो राधा स्वामी है, जो लोग पंजाब से उनको पता होगा, तो वो सेवा में जाती हैं, उनको ये सब करना ज्यादा अच्छा लगता है। वो चंडीगढ़ से भी कहीं नहीं निकलती हैं, बस ब्यास जाती हैं और फिर चंडीगढ़ में ही मोस्ट ऑफ द टाइम वो वही सत्संग के लिए सेवा के लिए जाती हैं, तो उसी में वो खुश रहते हैं। और मैंने पैंटलून, मिंत्रा और नायका से काफ़ी सारी शॉपिंग करके चंडीगढ़ वाले एड्रेस पे भेज दिया था, क्योंकि वैसे भी साइज देख के ही लेना था अनुज को और ऑनलाइन ज़्यादा ऑप्शन होते। लाबू कितनी बड़ी लग रही है। दिल्ली एयरपोर्ट से जब चंडीगढ़ जा रहे थे हवेली में खाना खा के गए हैं, बहुत फेमस है ना, जो लोग हैं उधर के उनको तो पता ही होगा हवेली, बहुत ही लाइक उसका एम्बियंस इतना सुंदर है और खाना तो चलो है ही टेस्टी, और यहाँ से जाने के बाद ना वो और भी ज्यादा टेस्टी लगता है। ओहो खाने की भी फोटो भेजी है। चाय 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 तो चलो ठीक है, पीछे जो वो जार रखे हुए हैं ना मुझे वो ज्यादा सुंदर लग रहे हैं। ये ताऊ जी, ये भैया, बड़े भैया। लेट हो गया बात करते करते, अभी मैं भागती हूँ और आपसे मिलती हूँ मैं ऑफिस के बाद शाम को। 7 hours later. शाम हो गई है, ऑफिस टाइम खत्म, और लास्ट एक दो दिन से ना बारिश हो रही है तो मैं बस बैकयार्ड में चेक करने आई हूँ, थोड़ी सी ठंडक भी हो गई है। एक्चुअली अनुज ने ना जाने से पहले जो भी हमने सीड्स ग्रो किए थे ना, तो प्लांट्स काफ़ी बड़े बड़े हो गए थे ना, तो उसको ग्रीन हाउस में डाल दिया था, बाहर नहीं रख सकते अभी भी, क्योंकि दिन में तो प्लस में रहता है बट रात में कभी कभी माइनस में भी चला जाता है, लाइक -1 भी हो जाता है, तो अगर फ्रीज हो गया तो फिर सारे प्लांट्स खराब हो जाएंगे। तो टेस्ट करने के लिए बस एक प्लांट यहाँ बाहर लगाया है, शायद टमाटर का है ये, और जितने भी थे ना कद्दू टमाटर मटर खीरा वो सारा कुछ अंदर लगा दिया है। और ग्रीन हाउस में एक्चुअली जाओ ना तो टेम्परेचर डिफरेंस पता चलता है, काफ़ी वार्म है तो मुझे ठीक लग रहे हैं, पानी देने की ज़रूरत नहीं है, मैं बस वही चेक करने आई थी कि पानी देने की ज़रूरत है या नहीं। थोड़ा सा दे देती हूँ पानी जहाँ जहाँ ड्राई है, और सामने वाले ग्रास एरिया में ना काफ़ी जगह पैचेस हैं, लाइक ग्रास है नहीं, तो वहाँ पे भी मिट्टी डाल के और ग्रास सीड डाल के गए थे अनुज कि फिर ग्रो हो जाएंगे वहाँ पे ग्रास। इनफैक्ट बैकयार्ड में भी थोड़े थोड़े ना छोटे छोटे ऐसे पैचेस हैं जहाँ पे सिर्फ मिट्टी मिट्टी है, ग्रास नहीं है। सब काम अनुज का है जो मुझे करना पड़ रहा है, जाने से पहले समझा के गए थे मुझे, क्योंकि मैं ये सब करती नहीं हूँ, बाहर का सारा कुछ अनुज ही देखते हैं। अंदर चलते हैं और डिनर बना लेते हैं, मैंने बच्चों को मना किया कि बाहर मत आओ क्योंकि फिर से हल्की हल्की ठंडक हो गई जैसे बारिश होने के बाद होती है ना, अभी अभी केवश बीमार होके उठा है तो थोड़ा संभल के रहे, थोड़ा ज़्यादा संभल के रहे तो अच्छा। कास्ट आयरन की कढ़ाई में मैं टमाटर यूज तो कर लेती हूँ बट जैसे ही कुक हो जाता है ना मैं दूसरे कंटेनर में निकाल के रख लेती हूँ। ये रहा आज का डिनर, काले चने और राइस। हरियाली हरियाली, ये जो घर के पास वाला है, घर के पास वाला पार्क है ये। मैं सरप्राइज हो गया, पूरी जो सड़कें थी ना, हाँ ट्रीज हो गया, चंडीगढ़ के मजे, घूमो घूमो, सुबह के 5 बजे उठ के मॉर्निंग वॉक, चलो बढ़िया। लगी नहीं रही 5 बजे वो यहाँ पे, हाँ काफी रोशनी है, हाँ और लोग भी हलचल रहती है ना, सब योगा कर रहे हैं वॉक कर रहे हैं।
चलो इंजॉय करो. सुबह के 5 बजे उठ के वॉक पे चले गए थे. इतना ज्यादा उनको अच्छा लगा ना कि ग्रीनरी बहुत ज्यादा है. चंडीगढ़ है भी बहुत सुंदर, हर तरफ हरियाली हरियाली होती है. और लास्ट 2 साल में नेचर और भी ज्यादा हील हुआ है, तो ग्रीनरी और बढ़ गई है और ज्यादा से ज्यादा ट्रीज लगाई गई हैं, तो हर तरफ बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था. तो मतलब फोन पे ही देख कितना सुंदर लग रहा है. चिड़ियों की चींची आवाजें आ रही है, हर कोई वॉक कर रहा है, योगा कर रहा है गार्डन में. बहुत अच्छा लग रहा था. खाना पीना हो गया है और हम टाइम से पहले ही बेड पे आ गए क्योंकि हमारे पास कुछ करने को नहीं है. ये शब बोलती है डैडी गए हैं, तब से बहुत बोरिंग हो गया. और हमारे पास कुछ नए बुक्स आए हैं. हमारे हैप्पी होम फैमिली के ही मेंबर हैं, वो भी इमिग्रेंट है, इंडिया से हैं, टोरंटो में रहते हैं. और उन्होंने अपना बुक का वेबसाइट लॉन्च किया हुआ है. और उनके सारे बुक्स ना इंडिया के कल्चर से ही रिलेटेड होते हैं. इंडियन ऑथर्स और पब्लिशर्स भी इंडियन होते हैं. तो उसके वेबसाइट का लिंक मैं डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. आपके भी अगर ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे हैं, डिफरेंट एज लेवल के लिए आपको बुक्स मिलेंगे उनके वेबसाइट पे. और क्या होता है ना, यहाँ पे जो भी बुक्स लो वो यहाँ के कल्चर का होता है, या फिर अगर कैनेडा भी हो तो यहीं के कंट्रीज के बारे में होगा. बट इन सारे बुक्स में ना डिफरेंट लाइक इंडिया के सिटीज के बारे में, डिफरेंट कल्चर्स के बारे में पता चलता है. जैसे एक ये वाला बुक है थुप्पा फॉर ऑल. तो हम फर्स्ट टाइम बुक लेके बैठे हैं. तो क्या होता है ना, जब इस तरह के बुक्स पढ़ते हैं तो हमारे भी माइंड में काफी सारे स्टोरीज आ जाते हैं. अगर हमने वो जगह घूमी हो तो हम और भी ज्यादा एलैबोरेट करके बच्चों को बताते हैं. तो हमारी कोशिश तो रहती ही है कि बच्चों को इंडिया के बारे में जितना ज्यादा से ज्यादा बताया जा सके. तो हम वीडियोस तो दिखाते ही हैं, पर अगर बुक्स में भी इंडिया के कल्चर के बारे में सीखने को पढ़ने को मिले तो वो सोने पे सुहागा हो जाता है. तो मैं जरूर डालूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक वेबसाइट का, आप लोग जरूर चेक करना. और उसका नाम रश्मि है. तो थैंक यू सो मच रश्मि ये प्यारे प्यारे बुक्स भेजने के लिए. हम सारे रीड करेंगे एक एक करके और बताएंगे कि हमें कौन सा सबसे बेस्ट लगा. मुझे इसकी पिक्चर बहुत अच्छी लग रही है, मुच्छो वाली है ना, जो सिलाई कढ़ाई करते है ना, जैसे ये मशीन है ना, उसको हिंदी में दर्जी बोलते हैं, टेलर को. हाँ ये पढ़ते हैं चलो. हाँ केयूष के तो ये छोटे छोटे बुक्स हैं जो एक मिनट में वो रीड कर लेता है. और रीड क्यों कर लेता है, क्योंकि उसको याद हो गया है पढ़ पढ़ के. अब तेरे बुक्स चेंज करने पड़ेंगे. इलस्ट्रेशंस बहुत अच्छे हैं, बहुत कलरफुल. और बच्चों को वैसे भी पिक्चर बुक्स ना बहुत पसंद आते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों को जिनको रीडिंग उतने अच्छे से नहीं आती ना. इनफैक्ट पिक्चर बुक्स ही फर्स्ट स्टेप होता है रीडिंग का. बच्चे पिक्चर को देख के गेस करके बुक को रीड करने की कोशिश करते हैं. जैसे केयूष के पास जो ये छोटे वाले बुक्स है ना, बॉब बुक्स, इसमें भी देखो पिक्चर्स, पूरा जो भी लाइन में लिखा हुआ है ना, पिक्चर उसको रिप्रेजेंट करता है. तो बच्चों को ईजी होता है पढ़ने में. और जब बच्चे जल्दी जल्दी पढ़ने लगते हैं ना, तो उनका रीडिंग में इंटरेस्ट डेवलप होता है. तो चलिए दोस्तों हम बुक रीड करते हैं. आप वेबसाइट जरूर चेक कर लेना. अभी वो बुक डिलीवर करते हैं यूएस एंड कनाडा में. तो हम सब आपसे मिलेंगे बहुत जल्दी. तब तक आप अपना खूब सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, कीप स्माइलिंग एंड एज ऑलवेज कीप मेकिंग लॉट्स ऑफ रीडिंग वाली मेमोरीज, घूमने वाली मेमोरीज. और छोटे छोटे क्लिप्स अनुज भेज रहे हैं, तो मैं डिफरेंट डिफरेंट वीडियोस में डालती रहूंगी. बाय 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 बाय. 1, 2, 3 बाय. ओके, अगर आप अभी तक यहीं पे हो तो हमने बुक रीड करना स्टार्ट किया और हमें पता चला कि थुप्पा एक तरह का नूडल्स होता है, सूप, सूपी वाला नूडल्स होता है. लाइक वेजी सूप. हाँ, वेजी सूप नूडल्स, जो कि ये शब्द बहुत अच्छा लगता है जिसको देख के मुंह में पानी आ गया. चलो अब फाइनल वाला बाय बाय हम बुक रीड करते. ओके, 1, 2, 3 बाय.
off with your colors. They kinda tell me what I'm thinking. I fell in love with the way we are.